प्यारे पंजाबी वीरों ते भैनों 2022 दीआं चोणां अंतले पड़ा ते ने। हर पार्टी अपने अपने चोण प्रचार च रुझी है। भावें इन्हां चोणां दौरान तकरीबन सारियां पार्टियां ने पंजाब दे जो पक्ष दे मुद्दे सीगे, जो बड़े अहम मुद्दे सीगे, उन्हां ते कोई हल पेश नहीं कीता हैगा। पर फिर भी यह जिहड़ा चोण प्रचार है बड़ा अमन मान नाल चलिया। कितें कोई हिंसक वारदात नहीं हुई, कोई आपसी झगड़ा नहीं होया, कोई माहौल नहीं खराब होया हैगा। पर मैं कल मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का जो उन्होंने लुधियाने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक इंकशाफ किया अपने वालों एक शगुफा छड़िया कि मेरे को एक हिंदू आया, उन्हें मैं अंदर आके कहा कि मैं हिंदू हैं और प्रधानमंत्री सुरक्षा लैके उन्हों की सुरक्षा लैके जो विवाद खड़ा होया सीगा उस करके पंजाब का जो हिंदू हैगा है जो उन्होंने शब्द वरत्या जो हिंदू व्यापारी हैगा है वह बड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं बड़ी हैरानी हुई कि पंजाब जिथे किसी भी पार्टी ने चाहे अकाली हो चाहे कांग्रसी हो चाहे संयुक्त समाज मोर्चा हो चाहे आजाद उम्मीदवार हो चाहे संयुक्त अकाली दल जरा हो चाहे जरा अकाली दल अमृतसर हो किसी ने भी किसी भी मौके एक भी बयान किसी लीडर का इस मामले बारे कि फलां जरा मतलब फिरका सुरक्षित है या असुरक्षित है कोई बयानबाजी नहीं की हैगी है। तो अरविंद केजरीवाल होर ने जो एक आपकड़ करके जो एक मन घड़ंत एक बयान दे के जो पंजाब की फिरकू एक सुरता विच जिहड़ा पंजाब घुग वसदा है जिहड़ा पंजाब की हजारा साल का सांझा इतिहास है हिंदू सिखां च कोई लड़ाई नहीं हुई मतलब कभी झगड़ा नहीं होया हैगा पिछले किस बहुत लंबे अरसे अच्त माड़े तो माड़े समय च भी पंजाब कभी हिंदू सिख फसाद नहीं होया हैगा जां धर्मां दा आपसी कोई झगड़ा नहीं होया हैगा। तो उन्होंने जो एक फिरके नूं सुरक्षित करन दी गल कीती हैगी है और इहदे पिछे मनशा हैगी है मैनूं इउं लगदा हैगा कि उह वोटां दी हिंदू वोटां दी जो पालाबंदी करनी है उन्होंने मतलब जो हिंदू पत्ता खेडना हैगा उहदे वास्ते उन्होंने बयान दित्ता हैगा और जिहड़ा बड़ा मंदभागा हैगा पंजाब दी फिरकू इक सुरता नूं अग लाउण वाला हैगा पंजाब दे सद्भावना आपसी फिरकियां दी हैगी है उहनूं तोड़न वाला हैगा नुकसान पहुँचाने वाला हैगा। और बड़ी दुखदाई गल है कि उन्होंने मतलब सानू 17 दी चोणां विच एक होर कार्ड जिहड़ा पंजाब दी बहुत गिणती वसों सिख कार्ड जिहनूं मैं कह सकदा वह खेडण दी कोशिश कीती सीगी वह नाकाम होया हैगा। हुण इस वार उन्होंने वख वख तरीक्यां नाल जो हिंदू पत्ता खेडण दी कोशिश कर रहे ने यह बड़ी घटिया राजनीति हैगी है। यह राजनीति इस तरह नहीं होनी चाहिए हैगी है। पंजाब च अजिहा कोई मुद्दा नहीं हैगा, कोई वर्ग किसी वर्ग की असुरक्षा का सवाल ही पैदा नहीं होंदा हैगा। आपां चोणां पहलां भी देखिया चोणां दौरान भी देखिया तो पंजाब का कोई इदां दा मसला नहीं हैगा जिसके बारे उन्होंने एक अपने कोलों कहानी घड़ के पेश करके एक बड़े खास मकसद नाल यह जो एक साडा पंजाबी भाईचारा वो साडी पंजाबी कौम की जो एका हैगा जो साडी पंजाबी कौम की भाईचारक एक सुरता हैगी है सांझा हैगियां उन्हों तोड़न की कोशिश की हैगी है। सानू सारियां नू इस तो सचेत रहना चाहिए हैगा और मैं अरविंद केजरीवाल जी को बेनती करता हैगा कि कृपा करके कुग वसदे पंजाब विच अमन ना रहिंदे पंजाब विच इदां दीआं गल्लां करके मतलब कि फलाना वर्ग असुरक्षित है फलाना सुरक्षित है ये कोई मुद्दा नहीं पंजाब च हैगा ये बंद करन और पंजाब नू जिहड़ा चोणां अमन मान नाल हो लैण देण और रिजल्ट कोई भी आवे वो सानू लोगों को मंजूर होगा। पंजाब के लोगों ने वोटा करनी अपनी मर्जी उम्मीदवार ने वोटा पानी है पर जिहड़े इदां दे बयान ने जिहड़े जिहड़ा जिहड़ा फिरकू एजेंडा सैट करते हैं उन्होंने कृपा करके पंजाब नू बख्श देण कितें होर एक कम एक कार्ड चल सकता दिल्ली चल सकता जिथे हुण दंगे होकर हटे है मुस्लिम भरावां दे एक साल पहला सी ए एन पी आर ते एन आर सी दे अंदोलन दौरान पर उस तो बाद पर पंजाब विच आपां सब जानते हैं कि अजिहा कोई माहौल नहीं है। कृपा करके पंजाब नूं बख्शो कृपा करके पंजाब विच गद्दी राजनीति खेड ना खेडो।